हेलो एवरीवन, इससे पहले हम एवरेज पावर एंड आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूले देख चुके थे। उस पर क्वेश्चन भी किया था। अब उससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हम तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ये है और थर्ड वन ये है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, वह देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटे हैं इनके। अब देखो, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर इंडिकेट दैट ए सिग्नल इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। सिग्नल में कितने कंपोनेंट दे रखे हैं उसने? तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट 640 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा हमें 2 वोल्ट का, दूसरा 644 की पे 1 वोल्ट और 636 किलोहर्ट्ज पे 1 वोल्ट। सिग्नल को ये कह रहा है 10 ओम के, ये जो सिग्नल है उसे 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया है, तो हमें बताना है जो एवरेज पावर होगी रजिस्टर कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे ये वोल्ट देखा, रजिस्टर देखा, तो वोल्टेज और रजिस्टर वाला फॉर्मूला मैंने बताया था लगाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे जब वोल्टेज और रजिस्टर वाला फॉर्मूला होता है तो उसमें कैसे निकालते हैं पावर जो होती है? तो पावर जो होती है एवरेज पावर, ठीक है, वहाँ पर होती है 1/R, आर आ जाता है अपॉन में। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज है तो मैं लिखता हूँ VDC का स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पर क्या होते थे AN का स्क्वायर और BN का स्क्वायर। ठीक है, ये होता था हमारा फॉर्मूला। AN और BN क्या बताते थे? साइन और कोस के एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बताते थे? साइन और कोस के एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं एम्पलीट्यूड वगैरह, अब कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी पे दे रखे हैं तो वहाँ पे भी जो साइन कोसाइन होते थे वो भी हार्मोनिक हुआ करते थे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? हार्मोनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो दो पे दे रखा, सॉरी, एक 640 पे, एक 644 पे, एक 636 पे, हमें उससे मतलब ही नहीं किस पे दे रखा है, बस ये देखना कि वो डीसी टर्म है या एसी पे। डीसी के लिए वो जीरो फ्रिक्वेंसी पे होता है, ठीक है, बाकी का जो भी होगा वो एसी फ्रिक्वेंसी पे आएगा। तो एसी हार्मोनिक्स होंगे, ये तीनों के तीनों एसी हार्मोनिक्स होंगे। डीसी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी? 1/10। डीसी वैल्यू हमारी जीरो देने रखी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? जो साइन और कोसाइन के हार्मोनिक टर्म होते हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पे उनकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे कितना इसकी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करके लिखते हैं ना। नेक्स्ट कितना? 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का आधा 3, और पी कस टू कितना आ गया मेरा? 3/10 वॉट, यानी 0.3 वॉट। ठीक है, इसे अगर मिली वॉट में चेंज करना तो कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? 300 मिली वॉट। ठीक है भाई, इतना काम करना था, देखने में ऐसा लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक वोल्टेज सिग्न वोल्टेज दे रखा किसी डिवाइस के अक्रॉस, -2 + 10 cos 40, 8 cos 60, 6 cos 80, -4 sin -5 sin 40, देखो इसमें साइन और कोस और डीसी तीनों वैल्यू आ रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा इसका पीरियड क्या होगा, तो मैं पीरियड बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। आसान तरीके से निकालते हैं किसका? GCD निकालते हैं। ठीक है, GCD यानी HCF कह सकते हैं। HCF किसका? जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका। यहाँ पे देखो कौन सी है, 4 है, 6 है, ये रही, और 8 है। आगे देखो और कोई है अलग क्या? 4 यहाँ, 6 यहाँ, 8 यहाँ, एक ही बात है, एक बार लिख लो। तो इनका GCD जो होगा वो क्या होगा? वो देगा मुझे किसकी वैल्यू? ओमेगा नोट की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू देगा ये? ओमेगा नोट की, क्योंकि हम ओमेगा ले रहे हैं तो ओमेगा ही आएगा यहाँ से। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 4, 6, 8 का HCF निकाल दो, ये तो कोई भी निकाल देगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। हमें पूछा पीरियड, पीरियड होता है टी नोट इक्वल्स टू 2π/ω0, 2π/2, ये आ गया पाई सेकेंड। ठीक है, ये आ गया इसका पीरियड। नेक्स्ट पूछा एवरेज वैल्यू, मैं बता दूं एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं डीसी वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी? डीसी वैल्यू होती है। तो मेरे देख के बताओ यहाँ से डीसी वैल्यू कितनी है इसमें? कितनी है? -2। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? -2। ठीक है, नेक्स्ट पूछा इफेक्टिव वैल्यू, तो इफेक्टिव वैल्यू को मैं बता दूं क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बता दूं कैसे निकालते हैं। जैसे ये वाला पावर का फॉर्मूला लगाया ना, केवल इसको स्क्वायर रूट में बंद कर दो, केवल इतने वाले पार्ट को, उसमें रजिस्टर नहीं आता है। ठीक है, बिना रजिस्टर के लिखते हैं,
तो आरएमएस वैल्यू जो आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ, अंडर द रूट में लिखते हैं किसका, वीडीसी का स्क्वायर प्लस हाफ एएन का स्क्वायर प्लस बीएन का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम कर देंगे। अब ये वाला काम तो कोई भी कर देगा, यहाँ से बस साइन और कोसाइन और वीडीसी का वो लिखना है हमें, बस लिख दो कितना आ जाएगा। डीसी वैल्यू कितनी है, माइनस दो, तो माइनस दो का स्क्वायर प्लस एक बटे दो। यहाँ पे देखो एयर ए एन बताता कोस के टर्म, ठीक है, कोस के कोफिशियंट, और बी एन बताता साइन के कोफिशियंट। तो कोस के कोफिशियंट कितने हैं यहाँ पे, 10, 8, 6, सबका स्क्वायर करके ऐड करो। 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट आगे -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा -3 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा कैलकुलेट होके आएगा ये अंडर द रूट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसकी वैल्यू 121.5। आज इसको सोल्व करेंगे तो कितना जा, 11.02 यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। ठीक है, ये होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, अब वोल्टेज है तो वोल्टेज लिख देंगे, आरएमएस का ये फायदा, वोल्टेज है तो वोल्टेज करके लिख दो, करंट है तो करंट कर लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा डरना नहीं है, देखो, एक सर्टेन बैंड लिमिटेड पीरियडिक वोल्टेज हैज ओनली 3 हार्मोनिक्स इन इट्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। कोई बैंड लिमिटेड पीरियडिक वोल्टेज था, वो उसके जो ना बस उसके जो फोरियर, हमने फोरियर सीरीज फाइंड किया, ठीक है, उसमें केवल 3 ही हार्मोनिक हमें पाए गए, कौन कौन से हैं वो उसने दे रखी है हमें, उसकी क्या आरएमएस वैल्यू क्या दे रखी है, पहले यहाँ ध्यान से वर्ड इसको यूज़ करना, हमें जो दे रखी है क्या दे रखी है, उसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 40 वोल्ट, थर्ड यानी थर्ड वाला हार्मोनिक है यानी थर्ड वाली फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कितनी है, 20 वोल्ट दे रखी है, और फिफ्थ वाले हार्मोनिक या फिफ्थ वाली फ्रिक्वेंसी पे कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है इनकी। पहले ध्यान दिला दूँ, हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, एक बार ध्यान से देखो, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे किसका लगाते हैं, जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं उनका लगाते हैं, ये कोई आरएमएस वैल्यू थोड़ी है इनकी, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले में क्या यूज़ कर रहे हैं, इनकी एम्पलीट्यूड वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर आरएमएस दे रखी है और हमें फॉर्मूले में लगाना तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसे एम्पलीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब ही आगे हम बढ़ेंगे तो इन वाली तीनों वैल्यू को जो फंडामेंटल पर दे रखी है हमें, पहले दे रखी है फंडामेंटल पर कितनी दे रखी है, फंडामेंटल हार्मोनिक दे रखा हमें कितना, कितना देगा 40 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, इसे कर लो किसमें, एम्पलीट्यूड में चेंज कर लो, या मैक्सिमम वैल्यू जिसे कहते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, रूट टू का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे तीनों के लिए निकाल लो, थर्ड के लिए आ जाएगी, थर्ड हार्मोनिक के लिए कितनी दे रखी है, ये आ गई थी 20, ये 20 है वो 10। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 20√2 है ना, नेक्स्ट वो 10 है फिफ्थ पे, अगर इसको ऐसे लिख लो ना कैसे आसान रहेगा, इसको V1 कह दिया फर्स्ट हार्मोनिक है, ये V3 कह दिया, इसको मैंने कह दिया V5। ठीक है, तो ये देखा 10 वोल्ट, इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 10√2। ठीक है, आगे देखो, अब क्वेश्चन पाते हैं, पहला पूछा गया अगर इफ़ द वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड टू ए 5 ओम रजिस्टर एवरेज पावर कितनी होगी, तो मुझे पता है रजिस्टर्स की वैल्यू दे रखी है मुझे, और वोल्टेज मुझे पता है, हार्मोनिक की वैल्यू पता है एम्पलीट्यूड की, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ, क्या होती है एवरेज पावर, अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल कर आए। ठीक है, वहाँ भी 3 हार्मोनिक थे, यहाँ पे देखो क्या होती है पावर, VDC का स्क्वायर प्लस हाफ AN का स्क्वायर और BN का स्क्वायर। ठीक है, AN और BN क्या है, वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं उन्हें वो, ठीक है, या साइन और कोसाइन के कोफिशियंट। तो डीसी वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पे क्या इन तीनों का स्क्वायर करके लिख दो बस। ठीक है, क्योंकि ए फ्रीक्वेंसी पे दे रखी है, डीसी वैल्यू कोई है नहीं यहाँ पे, 10√2 का स्क्वायर।
ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगी, ये कितना आएगा, रूट टू को मैंने बाहर ले लिया तो वो टू को कैंसिल कर देगा, यहाँ से आएगा 1600, ये 400, ये इतना। अभी यहाँ पे पावर निकाल लें तो कितना आना चाहिए, 1/r भी आना चाहिए ना, ये होता है ना उसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, आर की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 10 सॉरी 5 दे रखी है, ये आ गया कितना, इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा कितना, 1600 400 प्लस 100, ठीक है। इस वाले टू से रूट टू का स्क्वायर जो वो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2100 / 5, ये आ जाएगा कितना, 5 चौक 20, बचा कितना, 1 5 2 10 0, 420 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, एवरेज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आयो ये समझ आया होगा, ठीक है। पहले मैक्सिमम वैल्यूम चेंज करना, देन उनके कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते चले आते हैं, ठीक है। बाहर कितना होता है, 1/2, डीसी वैल्यू यहाँ है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये कह रहा है इफ ए डीसी कंपोनेंट इज एडेड टू द पीरियोडिक वोल्टेज, देन जो मेजर्ड पावर है वो 5% बढ़ जाती है, जो हमने निकाली है ना इस 420 वोल्ट, इसकी 5% बढ़ के आएगी। देखो हम डीसी यहाँ पे 0, अगर डीसी ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, वो ये बता रहा है वो जो पावर बढ़ी है इसकी 5% बढ़ी है, तो हमसे पूछा गया वो डीसी कंपोनेंट जो होगी उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया यहाँ पे, मैंने एक अब क्या कर दिया, मेरे पास 4 कंपोनेंट हो गए, एक तो डीसी कंपोनेंट, ठीक है, एक कौन सा V कस टू कितना 40√2, V2 कितना, सॉरी V3 20√2, ये वोल्टेज में है सब, ठीक है, और V5 फिफ्थ जो दे रखा है मुझे 10√2, ये 3 चीज़ें दे रखी है, ठीक है। अब 4 चीज़ें बढ़ गई तो ये पावर जो 5% बढ़ जा रही है, न्यू पावर जो बढ़ रही है, ठीक है, तो न्यू पावर जो कितनी दे रखी है मुझे, 5% बढ़ जा रही है भैया, 5% बढ़ा तो इसका कितना होगा, 420 + 420 × 5/100, ये इससे 5/2, ये आ गया 21, तो 420 + 21 कितना आ गया, ये 441 वोल्ट, ठीक है। और न्यू पावर जो होगी वो कितनी होगी, वी डी सी का स्क्वायर प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, ठीक है, 441 होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो 441, तो सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 1/r भी तो आएगा, रजिस्टर भी तो है, उसी रजिस्टर के अक्रॉस तो पावर जा रही है, तो ये देखा 1/5 आर की वैल्यू। अब डीसी वैल्यू हमें निकालनी है ना, 1/2 ए एन का स्क्वायर यानी कितने का, ये जो रूट है 40√2, 20√2, जो काम पहले किया था वही करना बस, अब कंपोनेंट 4 हो गए हैं ना, बस इतना वो हुआ है, 5 को मैं इधर इसके पास ले आऊँ, ठीक है, अंदर मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, 1/2, √2 को मैंने बाहर ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होता, तो ये 1600, ये 400, ये 100, ठीक है, 441 × 5, तो √2 का स्क्वायर 2 ही दे देगा, ये हो जाएगा 2100, यानी वी डी सी का इतना हो गया, ये हो गया 5 5 24 5 24 4 24, ठीक है, वी डी सी जो आ गया कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2405 − 2100, कितना बचा ये 5 0, और ये कितना बचा 3, ठीक है। एक सेकेंड मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, मुझे मिस्टेक लग रही है थोड़ा सा, कहाँ पर मिस्टेक है एक बार चेक करता हूँ, ये आ रहा कितना, इसकी मल्टीप्लाई ठीक की हमने, मैं एक बार मल्टीप्लाई चेक करता हूँ उसको, 441, ये 441 है ना, 420 + 21, ठीक है, और ये आया कितना 5, ये सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 2205 आएगा, ठीक है, तो ये कितना बचा, 105 बचा, तो डीसी वैल्यू कितना गया, रूट इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो लगभग आएगा कितना 10.25 वोल्ट, तो हमने डीसी जो वैल्यू ऐड की होगी ना वो कितनी ऐड की होगी, 10.25 वोल्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस पहले 3 कंपोनेंट थे उनकी वजह से पावर निकाली, नेक्स्ट इसने एक कंपोनेंट और बढ़ा दिया उसकी वजह से हमने पावर निकाल ली, ठीक है, उसने बताया था 5% बढ़ गई, ये 5% बढ़ गई, तो हमें 5% बढ़ने से वो 441 वोल्ट हो गया था, पहले 400 441 वोल्ट 420 वोल्ट था, ठीक है।
आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो, ठीक है, मैं वहाँ पे हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एक बार देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, कोई स्टेप छूट गया हो फिर ना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लेके, ठीक है। ओके, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।